नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिखाएंगे आपको दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। इटली में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि संक्रमितों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के काम के बावजूद इटली में कोरोना के नए वेरियंट तेजी से पैर पसार रहे हैं। कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इससे पहले कनाडा की सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी थी। साथ ही कनाडा की सरकार ने 38 मिलियन आबादी के लिए 36 मिलियन खुराक खरीदने का समझौता किया है। गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की कोवैक्सीन योजना के तहत संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी देश युगांडा और रवांडा को वैक्सीन की बड़ी खेप भेजी है। युगांडा को जहां एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 8 लाख डोज मिली है, वहीं रवांडा को फाइजर वैक्सीन की बड़ी खेप मिली। पेरू में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ भारी उबाल देखा जा रहा है। राजधानी लीमा की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की। लैटिन अमेरिकी देश चिली में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन हुआ। राजधानी सेंटियागो की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहां तोड़फोड़ की, आगजनी की, वहीं पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए। तुर्की में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल की सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग की। रूसी कम्युनिस्टों ने जोसेफ स्टालिन की 68वीं बरसी पर बड़ी रैली निकाली और अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। मॉस्को में स्टालिन की समाधि पर पहुंचे कम्युनिस्टों ने फूल चढ़ाए और अपने नेता को याद किया। जोसेफ स्टालिन को दुनिया भर के कम्युनिस्ट अपना हीरो मानते हैं। टर्की में हुए एक हवाई दुर्घटना में मारे गए 11 सैनिकों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सैनिकों की अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति अर्दोगन शामिल हुए। 4 मार्च को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 11 सैनिक मारे गए। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा 2 वाहनों के आपस में टकराने की वजह से हुआ। पुलिस के मुताबिक घायल लोगों को अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। ग्रीन पीस कार्यकर्ता पेरिस के चार्ल्स डे गाल हवाई अड्डे के भीतर घुस आए और एयर फ्रांस के एक विमान को हरे रंग से रंग दिया। ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया है। पुलिस ने 9 ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते दबदबे को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वीकार कर लिया है। जो बाइडेन का कहना है कि देश में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पद संभालने के 50 दिन के भीतर ही जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में भारतीय मूल के कम से कम 55 लोगों की नियुक्ति की है। That I will support and defend the Constitution of the United States. अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासन में भारतीय मूल के अमेरिकियों का दबदबा भी बढ़ गया है और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वीकार किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी लोगों को शामिल किए जाने का हवाला देते हुए ये बात कही है। राष्ट्रपति पद संभालने के 50 दिन के भीतर ही जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर भारतीय मूल के कम से कम 55 लोगों को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति के भाषण लिखने से लेकर अंतरिक्ष एजेंसी नासा तक सरकार के हर विभाग में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को नियुक्त किया गया है। नासा की वैज्ञानिक स्वाति मोहन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अपने भाषण लेखक विनय रेड्डी की ओर इशारा करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का देश में दबदबा तेजी से बढ़ा है। स्वाति मोहन ने नासा के मंगल 2020 अभियान में दिशा निर्देश, दिशा सूचक और नियंत्रण अभियान का नेतृत्व किया था। बता दें कि जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने अपने प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की। इनमें से आधी संख्या महिलाओं की है और वो व्हाइट हाउस में काम कर रही हैं। इससे पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोगों की नियुक्ति की गई थी। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका में कोरोना महामारी का केंद्र है न्यूयॉर्क में सिनेमा हॉल खुल गए हैं जबकि कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड और स्टेडियम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है, पिछले एक महीने में करीब 4 लाख अमेरिकियों को नौकरी मिली है। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। न्यूयॉर्क में जहां सिनेमा हॉल खुल गए हैं, वहीं कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड और स्टेडियम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अच्छी खबर है, पिछले एक महीने में करीब 4 लाख अमेरिकियों को नौकरी मिली है। करीब एक साल बाद शुक्रवार को न्यूयॉर्क में खुले सिनेमाघर में चंद लोग ही पहुंचे, लेकिन सिनेमाघर मालिकों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में बड़ी तादाद में लोग मूवी थिएटर का रुख करेंगे। फिलहाल न्यूयॉर्क प्रशासन ने क्षमता से 25% लोगों को ही सिनेमा हॉल में आने की इजाजत दी है। साथ ही सिनेमाघरों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भी कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में छूट दी गई है। यहां डिज्नीलैंड और स्टेडियम खोलने की इजाजत मिल गई है। साथ ही 1 अप्रैल से कैलिफोर्निया में होने वाले बेसबॉल टूर्नामेंट को भी प्रशासन ने इजाजत दे दी है। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में करीब 4 लाख अमेरिकियों को नौकरी मिली है, जो कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे बड़ी संख्या है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम और तेजी से हुआ तो जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लेगी। आज तक ब्यूरो। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जहां जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, वहीं पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजधानी जाकर की दुकानों में बड़े पैमाने पर लूटपाट की भी खबरें हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की, जहां विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी के बाद भारी उबाल देखा जा रहा है। राजधानी डाकर की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने जहां जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोली चलाई, जिनमें 4 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दर्जन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक राजधानी डाकर के सैकड़ों दुकानों में बड़े पैमाने पर लूटपाट भी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जहां पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी भी कड़ाई से जवाब दे रहे हैं। दरअसल रेप के आरोप में विपक्ष के नेता उस्मान सोनेको को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यहां बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जो अब तक जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उस्मान को फंसाया जा रहा है। साथ ही विपक्ष के नेता उस्मान ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन पर सेनेगल के गृह मंत्री का कहना है कि लूटपाट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।